नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे जांच एजेंसियों की, कैसे निष्पक्ष रही जांच एजेंसियां। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने केंद्र की सभी जांच एजेंसियों को एक छतरी के नीचे लाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस सुधारों में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करके स्वतंत्र बनाने को भी कहा है। जस्टिस रमन्ना सीबीआई की ओर से आयोजित 19वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर को संबोधित कर रहे थे। एक ही केस के कई एजेंसियों द्वारा जांच से होने वाले समय और संसाधनों की बर्बादी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि इसके लिए एक छतरी जैसे एजेंसी का गठन होना चाहिए, जिसके तहत सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और प्रवर्तन निदेशालय जैसी सभी एजेंसियां काम करें। नई एजेंसी का गठन कानून के तहत किया जाए और उसकी शक्तियां, कार्य और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। उन्होंने कहा कि आज के दौर में एक ही घटना की कई एजेंसियां जांच करती हैं, जिससे अक्सर सबूत कमजोर हो जाते हैं, बयानों में विरोधाभास आ जाता है और बेगुनाहों को लंबे समय तक कैद में रहना पड़ता है। छतरी एजेंसी के गठन से संस्था उत्पीड़न का हथियार बनने के आरोप से भी बच पाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ओर जहां सेंट्रल एजेंसी के पास वर्कलोड ज्यादा है, वहीं उसके पास संसाधनों की भी काफी कमी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेन्ड अधिकारी समेत कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इसी वजह से कई बार केस सुलझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि सीबीआई को फिर से पब्लिक ट्रस्ट हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको फिर से क्रेडिबिलिटी हासिल करनी है तो उससे पहले राजनेताओं से गठजोड़ तोड़ना होगा और जो आपकी साख है उसको वापस लाना होगा और फिर से काम करना होगा। दरअसल जांच एजेंसियों पर लगातार राजनीतिक प्रभाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष न होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल आज का ये है कि आखिर जांच एजेंसियां निष्पक्ष कैसे हों, बिना राजनीतिक प्रभाव के काम कैसे करें, क्या सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने की जरूरत है। तमाम सवालों का आज हम विश्लेषण करेंगे विशेषज्ञों के साथ और इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे तमाम एजेंसियों को हम एक साथ ला सकते हैं, ताकि उन पर जो आरोप लगते आए हैं कि आप जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के काम कर सके। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ आलोक वस्त जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आज खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, साथ ही कैसे जो है बिना राजनीतिक प्रभाव के, दबाव के कामकाज किया जाए। प्रदीप शर्मा जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आपका और खासतौर पर वो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत दबाव जो है पड़ता हुआ नजर आता है तमाम एजेंसियों पर और इसका सीधा सा असर राजनीति पर भी पड़ता है। जरा आप समझाइए कि इस तरह के दबाव से बचना होगा और जैसे चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर सब एक छत के नीचे आकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए भी, कैसे ये स्पष्ट हो पाएगा और किस तरह से इस पर काम करने की आवश्यकता है। पूजा जी, जैसा भी आपने बताया कि सीजीआई का जो मेन कंसर्न है वो दो तीन चीजों को मुख्य पे लेकर है। एक तो ये है, उन्होंने उस लेक्चर को सुना और उसमें देखा कि एक उनका कंसर्न ये था कि जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड होता है, यानी कि जैसे ही सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर एजेंसी को कोई आदमी हेड कर रहा है और अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर उसके अंदर किसी एक ग्रुप के साथ अटैच्ड है या एक उसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, तो दूसरा जब भी ऑफिसर आता है तो वो बेसिकली उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर बनता है और उनको सीजीआई का ये भी था कि वो हैरेस करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स हमारे पास पेटिशन लेकर आते हैं कि हमें हैरेस किया जा रहा है ड्यूरिंग आवर वर्क। चेंज ऑफ गार्ड का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा जो उनका मेन कंसर्न था अबाउट दिस, वो ये था कि पुलिस एजेंसीज में और दूसरी तरह की जो एजेंसीज है उसमें करप्शन डे बाय डे काफी बढ़ती जा रही है जी।
और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का रहा तो ये हमारी एक हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर वो वैसा रहा तो ये देश के लिए अल्टीमेटली अच्छा नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए अंडर वन अम्ब्रेला, जिसको कि स्टैट्यूट से बनाया जाए, जैसे कोई भी कानून बनता है तो स्टैट्यूट से बनता है। उनका कहना यह था कि जो भी एक बॉडी बने वो एक स्टैट्यूट से बने और उसका अपॉइंटमेंट जो हेड जो उसको करे वो उसी तर्ज में करे जैसे कि एक सीबीआई सीबीआई के डायरेक्टर का जब अपॉइंटमेंट होता है जिसमें मुख्यतः तीन लोग शामिल होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और तीसरा चीफ जस्टिस होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका भी जो गठन हो इसके डायरेक्टर का वो भी उसी के तर्ज पे हो, उसी की तरह हो, ताकि जो अपॉइंटमेंट हो एक तो सबकी अपोजिशन की और जो गवर्नमेंट है उनकी मिल सहसम्मति से हो, और दूसरा अगर कोई उसके अंदर कोई माल प्रैक्टिस नजर आए तो कम से कम आप अपनी एक ऑब्जेक्शन दे दें और उसके ऑब्जेक्शन के माध्यम से आप बता सके कि नहीं इसमें ये कमी है। दूसरी बात जो इसमें उन्होंने बताया कि बेसिकली अगर इस तरह की कोई सिचुएशन को अगर हम वो नहीं लेते हैं तो उसका असर बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी पे पड़ेगा, लोकतंत्र पे पड़ेगा, प्रजातंत्र पे पड़ेगा, जनतंत्र पड़ भी रहा है। प्रदीप जी वो देख भी रहे हैं हम कि लोकतंत्र पर, प्रजातंत्र पर उसका असर पड़ रहा है, लोगों का जो विश्वास है वो आप खोते जा रहे हैं, लोग जो है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अब सवाल उठा देते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन सही है या नहीं है इसको कौन जांचेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी हम आएंगे। आलोक जी आखिर जांच एजेंसियां कैसे निष्पक्ष हो सकती हैं, क्योंकि सरकारों का दबाव उन पर ना रहे, वो जो है एक तोते का पिंजरा बनकर ना रह जाए, इस बात पर कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि ये आरोप अक्सर लगते हैं चुनावों के वक्त या उससे पहले कैसे एजेंसियों को लगा दिया जाता है तमाम जो दल हैं उनके नेताओं के ऊपर, इससे सीधा सा संदेश ये जाता है कि एजेंसियां प्रलोभन में आकर, प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही हैं, कैसे इस बात को समझा जाए। देखिए पूजा जी, ये जितने भी कानून हैं ये हमने अपने कॉलोनियल मास्टर्स से लिया है। लगभग 1918-1935 में जिस तरीके की कवायद वो कर रहे थे, अच्छा उनका बेसिक कंसेप्ट था हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति, कि ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, और अभी उसी धारणा पर ये सारी चीजें चल रही हैं। और एक कहावत है अंग्रेजी में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल। तो यहां पर जिस तरीके की जो भी एजेंसियां हैं उनके यहां जस्टिस होने में बहुत विलंब हो जाता है, त्वरित कार्रवाई नहीं होती है और रिलीफ नहीं मिलता है, और जब वो जितना देरी पकड़ता है उतना उसमें विसंगतियां पैदा होती चली जाती हैं, आइदर इन्फ्लुएंस बाय नेता या इन्फ्लुएंस बाय मनी पावर या इन्फ्लुएंस बाय रिलेशनशिप पावर, वो अंतोगत्वा जो जांच जो है निष्पक्ष होते होते रह जाता है, किसी किसी कवायद में हो जाता होगा लेकिन ज्यादातर में वो दम तोड़ देता है रास्ते में। तो हमें एक जो लॉ कमीशन है उसको हमको बहुत मजबूती से मजबूत करना होगा ताकि वो इन चीजों पर, और बिल्कुल जस्टिस रमन्ना ने जो कहा है, इतनी धाराएं बहती हैं कि आदमी कहीं ना कहीं रिलीफ लेने के लिए दौड़ जाता है और वो अंतोगत्वा वो सारा मामला उलझ के रह जाता है, या फिर आते आते इतनी देरी हो जाती है कि समझिए कि उसमें कुछ बच ही नहीं जाता है। तो लॉ कमीशन को मजबूत करके, और जो हमारे ये जो रिफॉर्म्स हैं जो बहुत दिनों से लंबित हैं, उस तरीके का उसको एक ऑटोनोमस बॉडी, बल्कि ये तीन आदमी जो उसके अपॉइंट करते हैं उसका दायरा, मेरी अपनी निजी राय है, थोड़ा और बड़ा किया जाए, कुछ समाज के लोगों को भी, उस वरिष्ठ लोगों को उसमें रखा जाए, ताकि जिसकी भी अपॉइंटमेंट हो उस आदमी का पूरा अवलोकन हो, उसकी पूरी ये करके एक ऐसे आदमी को उसमें बैठाया जाए जो इन चीजों से प्रभावित ना हो, ना नेताओं से प्रभावित हो, ना अदर कोई प्रलोभन से प्रभावित हो, और ये इतनी धाराएं जो हैं वो सब बंद हो जाए, एक ही धारा के नजदीक लाकर और उसको ठीक किया जाए। ये बात आप भी मान रहे हैं कि प्रभाव जो है राजनीतिक ना रहे, इस बात का असर उन पर ना पड़े, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।
रत्नाकर जी, अक्सर जो है हर सरकार पर जो भी सत्ता में होती है इस तरह का आरोप उन पर लगता ही है। बिना राजनीतिक प्रभाव के कैसे काम किया जा सकता है? सीबीआई समेत चाहे हम तमाम एजेंसियों की बात कर ले, कैसे उन पर इन्फ्लुएंस ना पड़े सरकार का, क्योंकि विश्वास के लायक ही नहीं रहते हैं जब आपका राजनीतिक हस्तक्षेप इन सब में बढ़ जाता है। आम लोगों को सोचिए, वो कैसे उम्मीद करेगी, कहां पर वो न्याय के लिए जाएगी, कैसे हमारी जो न्याय प्रणाली है वो सही हो पाएगी? देखिए पूजा जी, रमाना जी ने बिल्कुल सही कहा है कि आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। स्वतंत्र एजेंसियां जो हैं, सीबीआई हुआ चाहे ईडी हुआ चाहे एनआईए हुआ चाहे अन्य एजेंसियां हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता कहीं ना कहीं जो है संविधान के मुताबिक नहीं हो पा रही है। लोगों का विश्वास उनके ऊपर उठता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है हमारे लॉ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। एक ही अपराध के ऊपर दो तीन एजेंसियां काम करती हैं, तो जो भी उसमें अपराधी हो, मुलजिम हो, वो कहीं ना कहीं चीजें फंस के रह जाती है। ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है और जो रमन्ना जी ने कहा है, उनको ये सुझाव मानना चाहिए और त्वरित गति से उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। आज अगर मैं कह दूं कि अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग केंद्रीय एजेंसियों का किसी ने किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी सत्ता और शासन के लिए कर रही है। चाहे वह मामला ले लीजिए पश्चिम बंगाल का, जब इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले ठीक ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर सीबीआई जांच करा दिया जाता है। महाराष्ट्र की बात ले लीजिए आप, यहाँ पे चुनाव के ठीक पहले तो हर सरकार करवाती है, की जांच करा दी जाती है। सरकार में आने के बाद, सत्ता मिलने के बाद एक दूसरे के पीछे एजेंसियां छोड़ने का काम, ये कोई नई जो है पहल नहीं की गई है। इससे पहले भी होता हुआ बहुत आरोप इसको लेकर लगते रहे हैं, कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा इस तरह के मामलों को लेकर। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से स्वतंत्र एजेंसियों को अपने प्रभुत्व में लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आज वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आप देख लीजिए, शरद पवार जी का कुछ दिन पहले ही बयान एक आया था कि ईडी को कोई नहीं जान रहा था 4-5 साल पहले, लेकिन ईडी को सब लोग आज जानने लगे, सब लोग भय खाने लगे। कारण उसका ये है कि इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहीं कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि कितना किस लेवल पे ये लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मायावती जी जो कभी भारत उत्तर प्रदेश में उनकी तूती बोती थी और उनकी पार्टी मजबूत थी, आज भी उनके कैडर खड़े हैं, लेकिन आपने चुनाव के नतीजों में देखा होगा कि किस तरह से बीएसपी पार्टी सिर्फ एक सीट पर सीमित होकर रह गई। क्यों? कारण उसका ये है कि मायावती जी केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर, भय या भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन से उन्होंने सपोर्ट दे दिया बीजेपी को, जिससे कि बहुमत सरकार वहां पे। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी काम ही क्यों करते हैं के लिए, इस तरह के काम ही क्यों करते हैं कि फिर डर प्रलोभन जैसे हालात आ जाएं, ऐसे कारनामे ही क्यों किए जाते हैं कि फिर एजेंसियों से डरा जाए। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, जांच एजेंसियों को लेकर निष्पक्षता पर तो सवाल उठ गए, लेकिन इस तरफ कदम कैसे उठाया जाए, कैसे जो है ये पूरा अमलीजामा पहनाया कैसे जाएगा, इसको कैसे इसमें काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा और गंभीर मसला है ये और लंबे समय से जो है इसको लेकर बहुत सारी बातें तो की गई हैं, लेकिन बातों के अलावा अब इस पे काम किया जाए, ऐसी एजेंसीज हों जो यकीनन एक साथ मिलकर न्याय करवाएं, बजाय कि बहुत सारी एजेंसी जिससे कि समय से लेकर संसाधनों सब चीजों का दुरुपयोग होता है, इसकी तरफ कदम कैसे बढ़ाया जा सकता है और कितनी इसमें मुस्तैदी चाहिए, कितनी इसमें अब तेजी चाहिए? पूजा जी, जैसे अभी मैं सुन रहा था हमारे आलोक जी को, उन्होंने एक सुझाव दिया था, वो काफी ठीक मुझे लगा। सुझाव उनका ये था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जितने भी सीबीआई के कई केसेस होते हैं, अगर उनमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या कुछ है, तो वो सीधा का सीधा वो एफआईआर एक ईडी में भी रजिस्टर हो जाती है। अब दोनों केसेस में एविडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। अब कोई विटनेस है जो अपनी स्टेटमेंट सीबीआई को देगा, वही स्टेटमेंट वही विटनेस को ईडीबी क्रॉस क्वेश्चन करेगा। अगर दोनों के
वर्जन में, मतलब जो सेम आदमी का अगर वर्जन दो डिफरेंट जगह पर अगर आ गया, थोड़ा सा भी अगर उसमें डिफरेंशिएशन आ गया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा उसको। बेनिफिट ऑफ डाउट्स का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है, हालांकि लॉ तो ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, एक इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये एक प्रोसीजर है, एविडेंस है। कोई भी आदमी कितना भी परफेक्ट क्यों नहीं हो, वो एक तरह की कहीं ना कहीं गलती होगी ही होगी। वहां पर लॉ ये कहता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट या सस्पिशन हो, और सस्पिशन भी हो तो वो ग्रेव सस्पिशन हो, ऑर्डिनरी सस्पिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर एक एजेंसी रहेगी, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो रमन्ना साहब ने कहा, अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे कि बताया कि सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, उसका फायदा ये रहेगा कि वो जो विटनेस है वो एक जगह क्रॉस एग्जामिन होगा, क्रॉस एक जगह उसका बयान रहेगा, तो अगर वेरिएशन आएगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सच्चाई आने में थोड़ी हेल्प होगी हमें। तो इस तरह से इसका होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। कैसे हो पाएगा प्रदीप जी, बड़ा सवाल ये भी है ना, कैसे होगा ये, और उस पर पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस ना रहे, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि सब अपने अपने तरीकों से जब जांच एजेंसियों को चलाने लग जाते हैं तो क्या फायदा ऐसी एजेंसियों का, क्या फायदा जांच का, सरकारी फिर खुद निर्णय ले ले, सरकारी फिर खुद न्याय करवा दे। पूजा जी, उसमें ये है कि किसी आदमी की जब अपॉइंटमेंट होती है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई भी आईएएस ऑफिसर है या कोई दूसरा ऑफिसर है, उसका एक, ये मेरा मानना यह है कि एक ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ एक आदमी से चले, बाकी कमेटी बननी चाहिए इसके अंदर। कमेटी बनने से होगा कि एटलीस्ट आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट ओपिनियन हो, एक तो मेरा सुझाव इस बारे में ये है। दूसरा मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड पुराना बहुत अच्छा रहा हो, जो जिसके ऊपर किसी तरह के कभी कोई करप्शन के या इन्फ्लुएंस के, बहुत से लोग हैं ऐसे जो सर्विसेज में कि जो किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। हम लोगों ने एक शो भी किया था कुछ दिन पहले, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसमें भी मैंने एक सुझाव दिया था कि जैसे ही कोई भी क्रिमिनल या जिसके कोई भी एक्यूज मान लो, जिसका अगर वो पॉलिटिक्स में आ गया, एमएलए एमपी बन गया, और वो पावर में पार्टी आ गई जिसका कि वो एमएलए एमपी है, अल्टीमेटली उसका इन्फ्लुएंस उस सिस्टम में आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से का अगर एक कमेटी बन जाएगी तो उसका एटलीस्ट ये फायदा हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल ओपिनियन ना होके वो कलेक्टिव ओपिनियन हो जाएगा। बिल्कुल, इस एजेंसी की बहुत आवश्यकता है। आलोक जी, इन्फ्लुएंस ना रहे राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर आपके दौर में तो आपकी सरकार पर बार बार इस तरह का आरोप लगा है कि आप इस बात का फायदा उठाते हैं, दबाव बनाने की कोशिश बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज पर करते हैं, खासतौर पर चुनावों के दौरान, ताकि पावर में बना रहा जा सके। एजेंसियों को कैसे खुले तौर पर आजाद करने की आवश्यकता है, कैसे जो है उनके दुरुपयोग से बचा जाए, और खासतौर पर राजनीति से उसको ना देखा जाए, राजनीति से परे रखा जाए, इस बात की आवश्यकता आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है अब, और खासतौर पर जब आप पर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप बार बार विपक्ष लगाता हो? देखिए पूजा जी, अपोजिशन ये नई बात नहीं है, शुरू से आप देखेंगे कि जो भी सत्ता में रहा है उसके ऊपर अपोजिशन ने इन एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उठाया है जी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये जितने दल, छोटे छोटे दल हैं, जो ये परिवारवाद से प्रभावित होके, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का आज की डेट में एक भी बड़ा नेता नहीं है जो बेल पर ना हो, ये केसेस तो उन पर पहले से हैं। और जितने ये छोटे दल है परिवारवाद वाले, नहीं इसी का डर बनाते हैं आप, मतलब आप प्लीज मुझे बोलने दें, इनका आप पुराना इतिहास उठा के देखें, ये कितने मामूली लोग थे और आज ये कितने अरबों खरबों रुपए में खेल रहे हैं। एक एक शादी में इनके दो दो ढाई ढाई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो ये पैसे हैं किसके, ये जनता के पैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे अछूत है, हमारे यहाँ किसी भी आदमी पर इस तरीके के गंभीर आरोप नहीं है, ना कोई स्कैम का आरोप है। लेकिन जो प्रदीप शर्मा जी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूँ, ये एक व्यक्ति पर ना आधारित होके एक समूह बनाया जाए अच्छे लोगों का,
मैंने पहले भी कहा था सिर्फ तीन आदमी जो इसको अपॉइंट करते हैं उसका दायरा भी बढ़ाया जाए, उसमें समाज के और वरिष्ठ लोगों को जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है उनको जोड़कर, और ये एक व्यक्ति पर आधारित ना करके। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी जब लागू हुआ तो एक जगह आपको टैक्स देना पड़ रहा है, कितनी एजेंसियां थी इसके पहले जो विभिन्न विभिन्न तरीके से टैक्स ले रही थी, और सब जगह घूस का बोलबाला था, सब जगह आदमी इन्फ्लुएंस कर जाता था। अब जीएसटी में कहीं कोई इस तरीके की प्रावधानी नहीं है, आप या तो आप जीएसटी चोरी करते हैं या आप जीएसटी भरते हैं, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करके कम करा लेना और बढ़ा लेना और घटा लेना ये मामला सब खत्म हो गया है। तो इस तरीके से एक बड़ा समूह बनाकर वो फैसला ले, और ये सारी जितनी एजेंसियां हैं जो लगभग निष्क्रिय टाइप का है, मतलब जो अलग अदर चीजों से इन्फ्लुएंस होकर चल रही हैं, वो सबको समाप्त करने की कवायद की जाए। ठीक है रत्नाकर जी, समूह बनाकर काम किया जाए और एजेंसियां जो हैं एक छत के नीचे आकर काम करें ताकि जो है इसका असर ना पड़ पाए। और जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि संसाधनों की कमी है उससे वो जूझते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं इस दौरान की एजेंसियां अपना काम जो उनको करना चाहिए वो बखूबी तौर पर नहीं कर पाती हैं। क्या आपको लगता है राजनीति से प्रभावित ना होकर वो इस दिशा में काम कर पाएंगी, क्योंकि जिसकी सत्ता जिसकी सरकार वो अपने तरीके से ढपली बजाता है, वो अपने तरीके से एजेंसियों से काम करवाता है, ये किसी एक सरकार या सत्ता की बात नहीं है, सभी के लिए है। इससे परे कैसे हो जाए और कैसे जो है सभी राजनीतिक दलों में इसको जो है इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वो कैसे आप कर पाएंगे? क्या है कि जस्टिस रमन्ना ने जो कहा है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इस तरह से राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर, तो इसका इसको जरूर कहीं ना कहीं लॉ कमीशन के बेसिस पे जो है उसको सुधारीकरण करने का काम करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और हम पूरा सहयोग देंगे। हाँ, सहयोग के लिए तैयार है ना, मुख्य सवाल यही है कि सब सहयोग के लिए तो तैयार हैं सारे दल। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है देश हित में अगर कोई भी चीज की जाती है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है। रही बात दूसरी, मैं आलोक जी की बात करना चाहूंगा जो अभी ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि संवैधानिक पदों पे बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी दबाव में आ जाता है या किसी प्रलोभन में आ जाता है तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी प्रलोभन में आकर के और पार्टी के अनुरूप कार्य करने लगता है। इसका मैं उदाहरण दे देता हूँ, दो उदाहरण दूंगा, आप सुनिएगा उसको बहुत ध्यान से किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया है चीजों को। देखिए रंजन गोगोई का नाम आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से वो रिटायरमेंट के तीसरे महीने के अंदर ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। ये कौन है रंजन गोगोई जी? ये वही रंजन गोगोई जी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रफाल डील के मामले में क्लीन चिट दिया था। तो आखिर में इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति को अगर राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया जाता है विद इन थ्री मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट तो आप समझ सकती हैं तो वो कितना हद तक उनके ऊपर प्रभावित किया गया होगा। न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठने लगा है ना। देखिए दूसरा उदाहरण एक और दे देता हूं मैं। देखिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह जी, अभी उनको वीआरएस दिला करके और उनको इलेक्शन लड़ाया गया उत्तर प्रदेश में और उनको मंत्री भी बनाया गया। तो संवैधानिक पदों पे व्यक्तियों को इस तरह का अगर लालच दिया जाएगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकली जो है आपको ये तो है, देखिए किसी भी पद पर अगर बने हुए हैं तो उसको आपको अलग रखना होगा तभी हम कह सकते हैं कि निष्पक्षता इसमें बनी रहेगी, अन्यथा जैसे कहा गया है कि आप तोते के पिंजरे की तरह काम करेंगे वैसे ही आप काम करते हुए नजर आएंगे। जरूरत यहाँ पर यह है कि स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, उनको स्वतंत्र तौर पर आप काम करने का मौका दें, प्रभाव और दबाव बनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल ना करें। बहरहाल शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, जुड़े आप हमारे साथ चर्चा में। तो निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष एजेंसियां कैसे काम करें इसी पर आज के हमारी खास पेशकश थी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।